मैं ले ली सुबह सुबह, मुझे लैश रिफिल करना था, इसके लिए हम लोगों पे चारों को खोल जल्दी से। हमने खोल लिया, बस अब इसको खोलना है। ये लो, का ताला खुलेगा, बहुत ही ताले हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। लेंगे सैलून की लाइट्स ऑन, उठाई थोड़ा सा रिस्की है गाइस। किसी को शाहरुख से बहुत मिलती है ना, देखे ऐसे लगता है बाप बेटा है। माँ से भी मिलता है। मैं घर वापस आ गई हूँ, अभी जो है इनको मैंने भूत दांत लगा के दिए है, तो इन लोग ये देख रहे हैं, इनको ये मूवी अच्छी लगेगी, है ना जी। तैयार करनी है बिरयानी, तैयार हो गई है। ओ शिट, आज आप नहीं, आपके पास टाइम? ओके, काम कर रहे हैं तो अम्मी को बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ये बिछा रही है और ये सब यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं खाने के। यहाँ पर भी चिकन, ये चिकन बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, तो मैं खानी है। ओ मामू दिखो, आज आप पकड़ेगा, दिखाओ क्या कर रहे थे। घोटे के साथ खेल रहा था बेचारा मामू, स्लीवलेस मामू। और यहाँ पे दिल भर गया, वो पी रहा है चाय। ओजी अभी तक इधर ही है और ये भी चाय को रखने जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और ये मेरा मतलब फेवरेट टाइम है। हम लोग जाएंगे अभी शॉपिंग करने के लिए। मैं अपने मामू से पूछ लिया कितना कपड़ा चाहिए होगा लहंगा के लिए, और एक सूट तो मैंने कर लिया है अरेंज, बाकी दूसरा सूट जो है मैं खुद सिलवाऊंगी। वो शादी में मैं चाहती हूँ सबसे अच्छी मैं दिखूं की क्या जरूरत है। आई एम ऑलरेडी सो प्रिटी देन एवरीवन। अभी हम लोग आए हैं आशियाना, यहाँ से मुझे कपड़े लेने, यहाँ से लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पर आई हूँ कपड़े वगैरह देखने के लिए। अच्छा, ये वो जो ड्रेस है ये स्टिच्ड है, और ये स्टिच जो हमको मिल रहा है ये मिल रहा है 22,000 में। अगर हम इसको सिर्फ कपड़ा वगैरह लेंगे तो वो हमें पड़ेगा 11,000 का। तो खैर अभी देखते हैं, मुझे वैसे ये कलर चाहिए भी नहीं, मुझे कोई और कलर चाहिए था। लेट्स सी के मैं क्या पसंद आता है। अभी यहाँ से ले रही है अपने शादी जो आज इसके लिए, उसके लिए यहाँ पे ले दो, ले लो ये दोनों। यहाँ कलर नैना को पसंद आया, ये ज्यादा प्यारा है। अच्छा ये आप लोग, अगर आप लोग कम करेंगे तो सोचे ना कि हम लोग कहाँ जाएंगे। छह सौ बोला आपने? नहीं नहीं, मुझे पता था सही है। हम लोग चोली कपड़ा ले रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। यह है यहाँ से अम्मी का सूट 10,000 का। पहली बार अम्मी ने जो इतना एक्सपेंसिव सूट लिया है, मैंने लिया। अभी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये तो कमीज है, इसकी जो आपको मैं शॉल दिखाऊंगी, अभी शॉल दिखाएंगे, वो इतनी हसीन इसकी शॉल है। शॉल जो है वो इस टाइप की, वैसे ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने मेहरून में लिया, बड़ा हसीन है। ये शनील के कपड़े में ना, शनील के कपड़े में बहुत खूबसूरत है। ये हमने आशियाना से लिया, मैं सबसे बहुत प्यारा है। हाँ, लेस वगैरह पसंद कर रही, बहुत खूबसूरत है, कोई और भी देख ले। तो ये जो है अम्मी का सूट है, वैसे मैं जरा पहन के देख रही थी, अल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत प्यारा लग रहा है। मैं हूँ ही प्यारी, लेकिन ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। शादी की तैयारी जो है हमारी जोरों शोरों पर है। कल जो है हम लोग जाएंगे ज्वेलरी लेने के लिए, आज हमारा यही था, और अम्मी का ये सूट है। बताइएगा आप लोग कैसा लगा, मुझे तो बहुत हसीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। और गाइस एक्सपेंसिव भी ना, ये पता नहीं अपनी अम्मी को मिस करिए या फिर किसी और को, तो ये जब भी ऐसे ब्लैंकेट को सक करती है, इट्स मीन कि ये अपनी फैमिली में से किसी को मिस कर रही है या फिर उसको जिससे ये बहुत प्यार। सही है, कितनी सारी देर से मुझसे प्यार करवाया। जो शाहरुख अजमल की बारी, इसको बोलेगी ये लेट जाए तो ये इसके ऊपर बैठती है। लगवाने लगी हूँ तेल, क्योंकि मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, और तेल लगाना वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जो है तेल लगना हो चुका है स्टार्ट, जब ये लगता है मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे मेरे हाफ हेडेक हो रहा था, तो वो भी ठीक हो जाएगा। फुट कैसा है? बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा। मैं ले रही हूँ, मैंने सिलवाना है लहंगा चोली, जो कि अब सिल के आएगी। और क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था कम्युनिटी, तो आप सबने कहा था कि आप जो है लहंगा चोली सिलवाएं, तो बहुत ही ज़्यादा हसीन सिलने वाला है। आप लोग को, आपको पता है मैं डिज़ाइन कितना अच्छा कर, डिज़ाइन भी मैंने सोच रखा है, बहुत हसीन होने वाला है। तो सिर्फ
अब बाकी 6 दिन आपने वेट करना है। ऑयल लगवा लिया है। सब लोग पूछ रहे थे कि शादी किसके, शादी किसकी। काफी लोग कह रहे थे कि अलीना के, तो नहीं अलीना की शादी नहीं है। अलीना की शादी जब होगी तो फिर देखेंगे, अभी तो खैर अलीना की शादी नहीं है। शादी है मेरे भाई आसिफ की। देखा होगा मेरे काफी व्लॉग्स में, आजकल जब मैं उस घर में रहती थी तो काफी व्लॉग्स में देखा होगा आसिफ भाई के साथ में हमेशा मतलब होती थी उनके घर जाना आना। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जितनी भी मैं उनकी तारीफ करूँ उतना कम है। मतलब हमारे खानदान में एक मुझे फराज, एक आसिफ, फराज और एक आसिफ, मतलब इन लोग ना इन दोनों की बातें बहुत सिमिलर होती हैं। और ये लोग मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे जो नॉलेज वाली होती हैं, इस्लामिक होती हैं, लाइक इनकी ना बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। तो जो आसिफ है वो मतलब ऐसा मेरा कुछ टाइम उनका ऐसी बॉन्डिंग हो जैसे मेरा कोई सगा भाई हो। लाइक के मैं उससे हर बात अपनी बताती थी, फिर वो मुझे अपनी हर बात बताता। कभी कभी मुझे ऐसा होता था मैं और शाहरुख हम दोनों साथ उनके पास जाते थे तो उसके समय ने मतलब हर बात करना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। यार उनकी शादी है और आप लोगों को मैंने दिखाया भी वैसे काफी दफा, तो उसकी शादी और मैं इतनी खुश हूँ। और शादी किससे हो रही है वो भी मेरी उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है, फिर भी है हमारी। इसलिए मेरी खाला की शादी है, मतलब कजन खाला की शादी है। पर जो आसिफ है उसका रिश्ता हमारे साथ मतलब अम्मी कहती है अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। वैसे कहीं दूर से जो है कोई रिश्ता भी होगा लेकिन अम्मी की, खैर मेरी नानी की दोस्त का बेटा है आसिफ, शादी है। तो समझ लें मेरी खाला की और नानी के दोस्त की बेटे की शादी है। उसकी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। उसे हमेशा कहती थी आसिफ तुम जिनसे शादी कर लो, आसिफ भाई जिनसे शादी कर लो, कि मैं बहुत ज्यादा बोर जाती हूँ, मुझे शादी में जाना बहुत पसंद है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। तो खैर जो होगा सब आपके साथ शेयर करूंगी। आज जो है क्योंकि शादी है, अभी एक हफ्ता रह गया, तो मुझे अपना रंग गोरा करना है कुछ भी करके। इस नो के मैंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया और मेरा बहुत दिल कर रहा है गाइस मैंने बाल इतने करा लूं। प्लीज कल के ब्लॉग में बताइए करवा लूं करा, क्योंकि आजकल जिसके देखो अजीब से बड़े बड़े बाल है, लेकिन छोटे बाल वाले बहुत ज्यादा डिसेंट और क्यूट लगते हैं। चलिए करते हैं स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये रोज वाटर, इसे जो है अपने फेस पे लगा लूंगी, अच्छे से कर लेंगे इसको स्प्रे। उसके बाद जो है मैं नीम एंटी एक्नी जो है इसका हिमालिका ले रही हूँ फेस वॉश। हाँ कुछ लोगों को सूटेबल नहीं रहता बट मुझे बहुत सूटेबल रहता, तो मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं यूज कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। अगेन इसको मैं रोज वाटर से क्लीन कर दूंगी। पाजी मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। जिनको एक्नी हो वो नीम जेल लगा सकते हैं, बट मैं जो है एलोवेरा जेल लगाती हूँ। मैं तकरीबन 5-6 साल से एलोवेरा जेल, पहले मैं किसी और कंपनी का लगाती थी, अब मैं इसका लगाती हूँ। और इसको हमने लगाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए लगा के हम इसको ड्राई होने देंगे, अच्छे से इसको फेस पर लगा देना है। जब भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो जी मेरा जो है एलोवेरा जेल अच्छे से ड्राई हो चुका है। उसके बाद जो है मैं लूँगी ये जियो की क्रीम, थोड़ी सी बिल्कुल लूंगी, मतलब एक जो दाना होता है मटर का उसके बराबर अपने पूरे फेस पे और अपने हाथों पर अपने बाहों पे लगा लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरी स्किन जो है डैमेज नहीं होगी, प्लस मेरी स्किन जो है इस चीज़ की एडिक्ट नहीं होगी, मतलब अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगी तो मेरी स्किन काली नहीं होगी। दैट्स वाई इसको इस तरीके से लगाना है। और बस मैं लगाऊंगी और इसके बाद सो जाऊंगी। आई होप आप लोग आज का लोग अच्छा लगा होगा और ऐसी ही तैयारी आप लोग साथ रहेंगी। बाकी सिर्फ 6 दिन रह गए, तो अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।